आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और एक सकारात्मक जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रविवार के दिन का महत्व। रविवार के दिन आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का नहीं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी रोज कुछ नई जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सनातन धर्म में रविवार का दिन पूर्ण रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना की जाती है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करना जातक के लिए फलदायी होता है। यदि शास्त्रों के अनुसार बात करें तो अगर कोई जातक प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना करता है, उन्हें जल देता है, तो वे उस जातक से प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, उसका भाग्य हीरे की भांति चमक जाता है। यदि किसी जातक को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो सूर्यदेव की आराधना से वह भी जल्दी दूर हो जाती है। रविवार के दिन विशेष रूप से की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में धन वैभव, सुख समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ दिलाती है और सूर्यदेव व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। सूर्यदेव की उपासना बहुत फलदायी होती है। आज हम आपको बताएंगे कुछ सरल उपाय जिसे कर आप सूर्यदेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं, अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। साथ ही आज आप ये भी जानेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन मना है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन अगर आप इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है, साथ ही जीवन में भी कंगाली आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। जो व्यक्ति सुबह उठ स्नान करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, उसका जीवन सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भर जाता है। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। सूर्य देव की उस व्यक्ति पर असीम कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल नहीं दे सकते तो रविवार के दिन उन्हें जरूर जल दें। शास्त्रों के अनुसार जब भी आप सूर्य देव को सुबह जल दें तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी सूर्य निकल जाने के बाद आपको जल नहीं देना है। यह जल देना फलदायी नहीं होता। आप सुबह जल्दी उठ स्नान करने के बाद जब देखें कि सूर्य देव उगने लगे हैं, उनकी लालिमा आप पर पड़ रही है, तो उन्हें जाकर जल अर्पित करें और जल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको जल तांबे के लोटे से ही देना है। इस लोटे से जल देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। जल देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी दिशा में जल ना दें। आपको केवल सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही जल अर्पित करना है। यदि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे तो उनका स्मरण कर नाम लेते हुए भी आप सूर्य देव को पूर्व दिशा में जल दे सकते हैं। जल देते समय कभी सादा जल ना दें। सूर्य देव को जल देते समय उस पानी में कुमकुम, अक्षत, गुड़ या लाल रंग का कोई भी फूल डालकर जल दें। इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। साथ ही जल देते वक्त जल की एक भी बूंद
आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। इससे सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं, इसलिए स्वयं के हाथों को आगे कर सर के ऊपर उठा सूर्यदेव को जल दें और उसके बाद उन्हें धूप अगरबत्ती दिखाकर उनकी आराधना करें। रविवार के दिन किए जाने वाले सबसे सरल उपायों में से एक उपाय हम आपको बताएंगे। इस उपाय से आपको आपके घर की सारी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। यदि कोई धन से जुड़ी समस्या है तो वह दूर हो जाएगी। या आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है तो वह भी दूर हो जाएगा। इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको करना क्या है कि रविवार को सोते समय आपको एक गिलास में दूध भरकर उसे सोते समय अपने सिरहाने रख लेना है। ध्यान रहे, गिलास ऐसे रखा हो कि आपकी नींद में आपका हाथ लगकर गिरे नहीं, और अगले दिन सुबह उठने के बाद आपको उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। ऐसा करने से आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपके समस्त काम अच्छे से हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब भी आप झाड़ू खरीदने जाएं, तो इसमें दिन का विशेष ध्यान रखें। आपको रविवार के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। ये दिन झाड़ू लेने के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए जब भी आप नई झाड़ू लेने जाएं, तो रविवार के दिन ही लें। ध्यान रहे, आप जब भी झाड़ू लेने जाएं, तो एक नहीं बल्कि तीन झाड़ू लेकर आएं, जिसमें से एक झाड़ू आपको अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन किसी मंदिर में जाकर दान करनी है। रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हो रहे कलह क्लेश अशांति सब दूर हो जाए और आपका घर सुख समृद्धि और शांति से भर जाए, तो इसके लिए रविवार के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। रविवार के दिन शाम को आटे से एक चौमुखा दीपक बना लें और फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जला कर रख दें। इससे जीवन में सुख शांति समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। वही किसी व्यक्ति के मन में अगर काफी समय से कोई इच्छा है जो वह चाहता है कि पूर्ण हो जाए, तो अपनी कोई भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस व्यक्ति को बरगद के पेड़ से एक टूटा हुआ पत्ता उठा लेना है और उसमें आपकी जो भी इच्छा है वह लिख दें और फिर जाकर उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस छोटे से उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना के साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपको किन चीजों का सेवन करना है और किसका नहीं। यदि आप रविवार के दिन उन चीजों का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, साथ ही आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। आप बिल्कुल कंगाल हो सकते हैं। आपके पास से धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ छिन सकता है, इसलिए भूल कर भी ऐसी चीजों का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन किसी भी व्यक्ति को मसूर की दाल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये एक नकारात्मक पदार्थ है। इस दिन मसूर की दाल का सेवन करने से आपके जीवन में आर्थिक रूप से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आपको धन की हानि होने लगती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण आपको बहुत कष्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए भूल कर भी रविवार के दिन मसूर की दाल का सेवन ना करें। आप इसकी जगह अन्य कोई दाल
या सब्जी खा सकते हैं। रविवार के दिन अदरक, लहसुन, प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब का सेवन इस दिन निषेध है। यूं तो लहसुन स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, शरीर के लिए अच्छा होता है, इससे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, लेकिन इसे रविवार के दिन खाना अशुभ माना जाता है। वहीं रविवार के दिन अदरक खाने से आपके घर में दरिद्रता और कंगाली का वास होता है, आप पूरी तरह कंगाल हो सकते हैं। प्याज सेहत के लिए तो अच्छा होता है, पर रविवार के दिन इसका सेवन सूर्य देव को क्रोधित कर सकता है, आपका सूर्य भारी हो सकता है, इसलिए शास्त्र में इनका सेवन मना है। रविवार के दिन लाल साग खाने से आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है, आपको इस दिन लाल साग नहीं खाना चाहिए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना ना भूलें। कुछ ही सेकंड्स लगेंगे, पर आपको सूर्य देव की कृपा जरूर प्राप्त होगी।